इसके लिए हमें चाहिए 2 मैगी, 5 मटर, थोड़ा सा गाजर, 2 प्याज और 2 टमाटर। चलिए इन सभी को काट लेते हैं। इन सभी को हम काट लिए हैं, अब हम बनाते हैं। इसके लिए हम कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। इसमें हम 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल दिए हैं। अगर आपको पसंद है तो आप रिफाइंड भी दे सकते हैं। अब ये गर्म हो चुका है, आप इसके लिए इस तरह छू के देख सकते हैं, हिट हो चुका है पूरा। अब हम इसमें एक मिर्चा देंगे। सबसे पहले इसमें प्याज जाएगा। प्याज को ब्राउन होने तक इसे हम भून लेंगे। जनरली मैगी तो 2 मिनट का होता है, मुझे नहीं लगता 2 मिनट में बनेगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 मिनट। देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब ये हो चुका है, इसमें हम टमाटर देंगे। गाजर भी देंगे और हरा मटर भी देंगे। इसे थोड़ा सा भून लेंगे। स्पाइसी मैगी बनने वाला है। ये थोड़ा सा भुना चुका है, अब इसमें हम नमक देंगे। स्वाद अनुसार आप अपना नमक दे सकते हैं, जैसा आपको स्वाद लगे। मैगी के अंदर तो रहता ही है, इसमें बच गया मसाला। मसाला के अंदर थोड़ा सा नमक देंगे ताकि उसमें वो फ्लेवर आएगा। देखिए ये हो चुका है हल्का हल्का। इसमें हम मैगी देंगे। 2 मैगी हैं, दोनों दे देंगे। मैगी मसाला ये अभी ही दे देंगे। इसमें पानी भी दे देते हैं। 1 कटोरी पानी है मिडिल कटोरी में। हाफ कटोरी और पानी देंगे क्योंकि मैगी अभी तो हुआ भी नहीं है। अब इसे हम आराम से ढक देंगे ताकि हमारा मैगी अच्छे से हो सके। ऐड में तो दिखाया जाता है 2 मिनट में मैगी बनता है, हमारा मैगी तो अभी तक नहीं बना है। अब ये बन चुका है, अब इसे हम सर्व करेंगे प्लेट में। मैगी बन के रेडी है, अब इसे चाहे अपने घरों में बना सकते हैं। 2 मिनट में तो नहीं बना, मुझे टाइम लगा, आप सभी को भी टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही स्पाइसी मैगी है।